कॉलेज देवरिया में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का चला अभियान। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां बाबा राघव दास पीजी कॉलेज देवरिया में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत एक दिवसीय शिविर में 3 इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, बुद्ध इकाई डॉक्टर के ओझा, विवेकानंद इकाई तथा डॉक्टर नरेंद्र कुमार कबीर इकाई के नेतृत्व में महाविद्यालय को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का अभियान चलाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर शरद चंद्र मिश्रा द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग के दुष्परिणामों से छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया तथा प्लास्टिक का प्रयोग न करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र कुमार कार्यक्रम अधिकारी कबीर इकाई द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग एवं खुले मैदान में फेंकने तथा पशुओं द्वारा उसके सेवन से होने वाले घातक परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई तथा डॉक्टर के ओझा द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण से छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। डॉक्टर विनय राव, डॉक्टर समरेंद्र बहादुर शर्मा, डॉक्टर अभिनव सिंह, डॉक्टर भावना सिन्हा, डॉक्टर विजय पाल, डॉक्टर विनय रावत आदि उपस्थित रहे। देखिए ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के साथ देवरिया से ब्यूरो रवि प्रकाश की रिपोर्ट। सर, इस BRDPG कॉलेज में किस पद पर आप तैनात हैं? हम इस BRDPG कॉलेज में जो है प्रिंसिपल के पोस्ट पर कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा मेरी नियुक्ति हुई, उसमें BRD कॉलेज जो है देवरिया मुझे मिला और मैं जो है 23 तारीख को यहाँ प्राचार्य का पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले मैं बद्री विशाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय फरुखाबाद में, वहाँ भी एक्टिंग प्राचार्य के रूप में मैं कार्य कर रहा था। सर, इस कॉलेज में आए हुए हैं, बहुत बड़ी खुशी है, और आज ये कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर? ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और इसका संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए आप लोगों के माध्यम से, और प्लास्टिक मुक्त हमारा महाविद्यालय होवे, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों को दे रहे हैं और NSS की यूनिट को दे रहे हैं, और साथ ही साथ NSS यूनिट के जो हमारे प्रभारी शिक्षक हैं वो सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं कि सुबह से मेहनत करके और इतना जो है प्लास्टिक इकट्ठा करके और प्लास्टिक मुक्त जो है महाविद्यालय जो है ये करा रहे हैं, और हर लोगों को प्लास्टिक से संबंधित किसी भी वस्तु का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नुकसानदेह है। प्लास्टिक जो है कैंसर उत्पन्न करता है, और हम देखते हैं बहुत जगहों पर पेपर में पढ़े हैं ये पशु जो है हम रोड पर फेंक देते हैं, इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम पशु को होता है, वो खा लेते हैं एक एक बोरी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि पशुओं के पेट से निकले हैं और उनको बड़ी दिक्कत हुई है। तो हमें ये करना चाहिए कि प्लास्टिक का यूज बंद करना चाहिए और इसके समर्थन में रहना चाहिए कि हम प्लास्टिक का हमेशा विरोध करेंगे और कभी यूज नहीं करेंगे। इसका प्रसारण जन जन तक पहुंचना चाहिए और इस मीडिया के माध्यम से ही जन जन तक ये हमारा जो है कार्यक्रम पहुंचेगा।